संकल्प पाटिल जी कह रहे हैं एमआरएफ एमआरएफ को खरीदना है वर्तमान भाव पे 3 महीने के नजरिए से। तो 3 महीने के नजरिए से एमआरएफ को क्यों खरीदना है? एमआरएफ कोई ट्रेडिंग शेयर तो है नहीं जहां पे आपको 3 महीने में बड़ी ऊंची लंबी छलांगें मिलती हों, लेकिन इतना भारी है कि मतलब थोड़ा सा भी हिला तो बड़े पैसे बन सकते हैं। किस नजरिए से देखा जाए 3 महीने की ट्रेडिंग इसमें ठीक रहेगी क्या? एक्चुअली उनका सोचना ठीक है राजीव जी, बिकॉज ये जो पैटर्न है ना, और जो जितना भारी ये शेयर हो चुका है, इसके हिसाब से इसको ट्रेडिंग ही देखना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मिल गया तो ठीक, ना मिला तो फिर ना मिला, तो वो सोचना ठीक है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि इसका जो लो बन गया है करीब करीब अभी 1,33,000 के आसपास समझे आप, यहाँ से सपोर्ट लेके ये रिटर्न हुआ है और होना चाहिए और भी रिटर्न, एज लॉन्ग एज ये लेवल नहीं टूटे 1,33,000, जो आप 3 महीने के हिसाब से बात कर रहे हैं, जी उस केस में इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास 1.5 लाख वाला लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन कैवियट यही है कि आपके पास 133 वाला जो है वो प्राइस बचा रहना चाहिए, एंड देयरफॉर इट्स अ ट्रेडिंग स्टॉक। तो 3 महीने में ये कटोरी भरेगी और उस कटोरी में खीर आएगा। मिल सकता है। तो इस कटोरी में खीर खाने का मन है तो 101,33,000 रुपए मोटे तौर पे इस लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा।